Congress Vice President Rahul Gandhi on Friday accused the government of not allowing him to speak in Parliament despite his speech being ready, and said an earthquake will come if he gets the opportunity to speak. Pradhan Mantri पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डर रहे हैं, हाउस में हैं, मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? हम क्या बोलेंगे? इतनी घबराहट क्यों है? पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। मैं हाउस के अंदर डिमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं, जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट यू विल सी व्हाट एन The government and the opposition has locked horns over the issue of demonetization during the current winter session. The government on November 8th announced to spike Rs. 500 and 1000 notes to curb black money and corruption. The spiking of the high value notes has created a cash crunch across the country. INS report.